good morning dear parents and dear students how are you yes i know you all are fit and fine at home uh, dear children you have to pray before starting work before starting today's work we will do revision a to h so do you know what is this this is a a4 apple now this letter is B. B for bat. C. This is letter C. C for cat. This is D. D for dog. E. E for elephant.

कॉपी में भी करें ठीक है तो डियर चिल्ड्रन फर्स्ट यू हैव टू पुट डेट सो टुडे डेट इज फाइव डैश मंथ इज सेवन डैश Year 2021, okay and C W means class work. अब इसी को जो हम जो है कॉपी में भी रिवीजन करेंगे इस तरीके से आप लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच ओके उसके बाद आप वन लाइन लीव करेंगे यानी एक लाइन को छोड़ करके फिर अगेन ए B, C, D, E, F, G, H, ठीक है इस तरीके से लिखेंगे ये आप पूरा पेज कंप्लीट करेंगे ओके यू हैव टू कंप्लीट दिस पेज वन लाइन लीव एंड अगेन starting a to h for right? one line leave and again starting a to h okay so you have to complete this page okay so dear children uh, we will learn today we will learn a new letter letter i new letter i आई फोर आइसक्रीम इट इज वेरी इजी टू राइट दिस है ना इसको लिखना तो बहुत ही सिंपल है आई फोर आइसक्रीम आई फोर इंक आई फोर आयरन आयरन तो सभी के घर में होगी प्रेस करते हैं ना और नेक्स्ट आई फोर आइस क्यूब आइस क्यूब किसको कहते हैं बर्फ होती है ना फ्रिज में बर्फ जमती है है ना ऐसे एक क्यूब क्यूब जैसी सी बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं आइस क्यूब आई फोर आइसक्रीम आई फोर इंक आई फोर आयरन आई फोर आइस क्यूब ठीक है पहले हम इसको इसमें पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको जो है कॉपी में लिखेंगे तो कॉपी में लिखने से पहले मैंने आपको क्या बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल You have to put date. So today date is five dash seven dash two thousand twenty one and class work. Okay. सब बच्चों को काउंटिंग आ गई है इसलिए सभी बच्चे डेट डालना स्टार्ट करेंगे पेरेंट्स हेल्प करेंगे बच्चों को डेट डालने के लिए एंड सी डब्ल्यू डालने के लिए ठीक है और दो तो पिक्चर्स बनाएंगे मैंने बनाई है आइसक्रीम एंड इंक तो जिन बच्चों को अभी थोड़ा सा लिखने में <coughs> सॉरी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे पुट द पॉइंट बनाएंगे ठीक स्टैंडिंग लाइन एंड स्मॉल स्लीपिंग लाइन अप एंड डाउन क्या बन गया आई पहले पॉइंट लगाएंगे आफ्टर दैट स्टैंडिंग लाइन टू स्मॉल स्लीपिंग लाइन दिस इज आई आई फोर आईसक्रीम आई फोर आयरन आई फोर आईस क्यू आई फोर इंक बोल बोल करके लिखेंगे ठीक है इस तरीके से ये बहुत इजी है लिखना इसीलिए मैं आपको राइटिंग बुक में नहीं दे रही हूं ठीक है इसको आप कॉपी में ही प्रैक्टिस करेंगे ठीक है सो जियर चिल्ड्रन प्लीज यू हैव टू डू दिस पेज ओके यू कैन राइट दिस लेटर ब्यूटीफुली इन योर कॉपी ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे